क्या रहता है भैया मल्चिंग के फायदे पता है तुमको क्या होता है? क्या होता है आपको, हमको क्या मालूम है? देखो तुमने मल्चिंग करी है, मैं बताता हूँ। आप बताए जैसे कि अब जैसे कि अपन ने कर ली है ये मल्चिंग, अब इसमें क्या होगा, जैसा अब इसमें केचुए आएंगे, केचुए की उत्पत्ति होगी। अब केचुए क्या करते हैं तुमको पता ही है, फसल मतलब जो जमीन रहती है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है वो, है ना, मतलब जमीन को उपजाऊ बनाते हो। और उसके बाद क्या रहता है, जैसा पानी का जो लेवल रहता है इससे बना रहता है, मतलब नमी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। अब ये जो थोड़ा बहुत बहुत अच्छी करी, हालांकि इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं ऐसी, है ना, अच्छा करा तुमने। अब इसमें क्या रहेगा, पानी अगर नहीं भी आया तो इसमें नमी रहेगी, फसल को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी देख लो आप, उधर मल्चिंग नहीं है, उधर मल्चिंग नहीं है, कुनाल इसमें वो वाली इसमें मल्चिंग नहीं करी है, इधर बता, और इसमें अपन ने मल्चिंग करी है। अब इसमें फर्क आ जाएगा, उपजाऊ बनेगा, मतलब मल्चिंग के फायदे ये है। अपने खेत देखो में अभी इसमें क्या होगा कि ये जितने एरिया में अपन ने मल्चिंग करे ना, इस एरिया की फसल और उस एरिया की फसल में बहुत फर्क रहेगा, है ना। ये ना ये जल्दी बढ़ेंगे ये पौधे, हम वो कम जल्दी बढ़ेंगे, उसको टाइम लगेगा, इसमें फल भी ज़्यादा जल्दी आएंगे, देखना। और मतलब ये इसलिए कि इसमें खाद भी हो जा रही है ना अपनी, ये सड़ जाएगा, ये वैसी हो जाएगा, खाद ऑटोमेटिकली इसमें बन जाएंगी, इसमें डालना पड़ेगा, इसमें डालना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, पूरा डाल देते। नहीं नहीं पूरा नहीं डालना, नहीं पूरा।